हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो आज बना रहे हैं हम दूध से मिठाई। मिठाई है, मिल्क केक भी बोल सकते हैं उसे। सिर्फ वो दो इंग्रेडिएंट से बनेगी, वो है एक दूध और दूसरा है क्या है, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बस वो बस। दो चीजों से आप मिल्क केक या मिठाई भी बोल सकते हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चले आज बनाने जा रहे हैं हम दूध की मिठाई, जिसके लिए हमने लिया है दूध का पाउडर। पाउडर होता है मिल्क पाउडर और यह है भूरा चीनी का पाउडर, चीनी। और आपके पास ये जो है नारियल का भूरा हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास है तो हम डाल रहे हैं, वैसे बिना उसके भी बन सकता है। और ये हमारा दूध बचा हुआ है तो मैं सोचा मिठाई बना लें। थोड़ा आधी किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा दूध, हम इसमें दूध डालेंगे कढ़ाई में। गर्म ठंडा आप कैसा भी दूध ले सकते हैं। हमने दूध लिया है, बस हमने पहले बॉयल कर रखा है तो ठंडा हो रखा है। तो इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। अभी गैस ऑन नहीं करना, हिला के घोल देना इसको, फिर इसको हमें गैस ऑन करना है। ये डाला मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर, अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से जैसे इसमें मतलब लंस ना रहे, अच्छे से इसे मिक्स करके घोल बना दे। अच्छा सा मिक्स कर दें, दोनों की दोस्ती करवा दें। इसी के साथ में ये जो है बूरा चीनी का पाउडर ये भी डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दें। तो मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर और चीनी का पाउडर, मतलब बूरा बोलते हैं इसे। ऐसे ऐसे दूध में हम मिक्स कर देंगे कि हमारे इसमें लंस ना, मतलब लंस ना पड़े, लंस ना हो, अच्छे से तो घोल बना दें इसको, मिक्स कर दें दूध में। अभी हमने गैस ऑन नहीं करा है, ठंडे दूध में हम इसे मिक्स करेंगे। और गैस इसकी मिठाई ना बहुत टेस्टी होती है। मीठा बुरा वो आप घर पे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी चीनी लीजिए, उसे ग्राइंड कर लीजिए। पर हमने खरीद के लेके आए, मार्केट से ले आए, क्योंकि थोड़ा सा हमारा देवी है ना, थोड़ा काम ही आसान हो जाए, इसलिए हम दुकान के लिए आए। छोटे बच्चे के साथ थोड़ा करना पड़ता है, करना पड़ता है एडजस्ट। हाँ, तो ये मम्मी ने मिक्स कर लिया अच्छे से दूध में मिल्क पाउडर और बूरा चीनी का बूरा। देखो आपको कोई लंप्स भी नहीं दिखे होंगे, मैंने सारे हटा दिए। और अब कर दूंगी मैं इसे गैस ऑन। इसे हम फुल पे करेंगे, कम आँच में नहीं, पर इसे हिलाते रहना, कंटिन्यू इसे हिलाते रहना, बिल्कुल रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग के जल जाएगा दूध का, फिर अच्छी मिठाई जो हमारी नहीं बनेगी। इसे कंटिन्यू हिलाएंगे और गाइस ये बहुत इजी और घर के सामान से हमारे बन जाएगी, कम पैसों में, बिना थोड़े से खर्च में। ये नारियल के बूरे की आपको इतनी जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। नहीं है तो चीनी है घर में, दूध है, बनाइए मिठाई। मिठाई जब मन करे मिठाई खाने का तो मत जाइए दुकान में, बनाइए घर में अपनी मिठाई और अपने बच्चों को भी खिलाइए अपना प्योर मिठाई। और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, जो मिठाई खाते होंगे, मीठा खाने वाले बच्चे, वो बोलेंगे मम्मी बार बार मिठाई बनाओ। तो ये कब तक हिलाना है? कंटिन्यू जब तक इसका एक दो तरह दो बनता है ना, जब तक ये बिल्कुल डार्क सा ना हो जाए, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, बस ऐसे चलाते रहेंगे हम इसको। यही मेहनत है? नहीं कोई भी मेहनत नहीं है, मतलब आधा घंटे में बन जाएगा। गैस फुल रखना है, आँच हमें फुल रखनी है, इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो गैस देखो ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, हिलाते हिलाते से गाढ़ा हो चुका है। इसको ऊपर से तो इसको चलाते हुए देखो हमें कम से कम 15 मिनट हो गए और ये इतना दूध कम हो गया है। और ये साइड में जो लगा रहता है इसको ऐसे हटाते रहना है। और हमारा सीमान से बोल रहा कि भैया बहुत हो गया, मुझे आराम दो, बस 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 हो गया। ऐसे चलाते रहेंगे 15 मिनट और।
जो हमारा बूरा है अब हम इसमें डाल देंगे। आपके पास हो तो डालें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। गोले कितने अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें जो बूरा डाला है नारियल का बुरादा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए हमारा ये डो बनने को तैयार है। एक बार आप जरूर ट्राई करें ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। और जो मिठाई खाने के शौकीन हैं वो जरूर बनाएं। हो गया तैयार हमारा डो, हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने बटर पेपर में निकाल लिया है और इसको हम अच्छे से इसे फैला देंगे। तो मैं इसको अच्छे से फैला लूंगी और इसे इसको सेट कर दूंगी। तो ये मम्मी ने इसे सेट कर दिया अच्छे से, देखिए इसे ठंडा होने देंगे ना, और इसे ठंडा होने देंगे तब कट करेंगे इसे। तो गाइज ये मिठाई हमने रख ली है 10-15 मिनट, ये ठंडी भी हो गई है और ये बिल्कुल सेट हो गई है देखिए। तो अब पीसेस में कट कर लेगी, देखिए कट कर रही है मम्मी। तो ये देखिए ये कट चुके हैं पीसेस में और ये देखिए मिठाई। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि अपने घर में कौन कौन ये रेसिपी ट्राई करने वाला है। और गैस हमारी शक्ल देख रहा, हमारा सिवासा में बहुत तंग कर रहा था आज, मेरे बाल तक भी नहीं। जल्दी 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 बना के हम हाय बाय दोनों बोल रहे हैं क्योंकि वो उठ जा रहा है बार बार, आज सो नहीं रहा है बिल्कुल भी, आज बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान कर रहा है। तो ये थी हमारी रेसिपी और आप लाइक जरूर करना, एक बार जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को, सिंपल है मतलब घर के दो चीजों से बन जाएगी। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं आपको नए रेसिपी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।